हेलो एंड वेलकम गाइज। आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, अगर आपको आपके प्ले स्टोर के अंदर पेंडिंग प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे आप पेंडिंग प्रॉब्लम को ठीक कर पाओगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्ले स्टोर की पेंडिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले एक बार आपको आपका नेटवर्क चेक कर लेना है। अगर आपका नेटवर्क सही नहीं आ रहा है तो आप किसी से वाईफाई ले सकते हो, आपके किसी फ्रेंड से हॉटस्पॉट ऑन करके कनेक्ट करके देख लीजिए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। या फिर आपको यहाँ पे एक काम और कर लेना है, जो आपका एरोप्लेन मोड होता है आपको इसको ऑन कर लेना है और कुछ टाइम बाद आपको इसको ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, जो आपका मोबाइल का नेटवर्क होगा वो रिफ्रेश हो जाएगा, इससे भी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो अब आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे मोबाइल की सेटिंग होती है, आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है और अब आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग पे टैप करना है। उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और आपको यहाँ पे रिसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ पे टैप करना है। फिर आपको नीचे की तरफ रिसेट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ से रिसेट कर लेनी है आपके वाईफाई मोबाइल नेटवर्क और ब्लूटूथ की सेटिंग। इससे आपका नेटवर्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी आपके नेटवर्क के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब आपको थोड़ा नीचे की तरफ आ जाना है आपके मोबाइल के सेटिंग के अंदर ही और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप्स, आपको ऐप्स पे टैप करना है। अब आपको मैनेज ऐप्स पे टैप करना है। मैनेज ऐप्स पे टैप करने के बाद आपको सर्च बार में यहाँ पे सर्च कर लेना है प्ले स्टोर, क्योंकि आपको प्ले स्टोर के अंदर पेंडिंग प्रॉब्लम आ रही है। और अब आपको प्ले स्टोर पे टैप करना है। अगर आपको ये सभी सेम सेटिंग देखने के लिए नहीं मिलती तो आप सभी को एक सिंपल सा काम कर लेना है, जो आपका प्ले स्टोर है आप सभी को प्ले स्टोर पे लॉन्ग प्रेस करना है, फिर उसके बाद आपको ऐप इन्फो पे टैप करना है। अब आपके सामने सेम पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले नीचे की तरफ फोर स्टॉप पे टैप करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको क्लियर डेटा पे टैप करना है और आपको क्लियर कैच पे टैप करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको क्लियर ओल्ड डेटा पे टैप करके ओके कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे ओके करोगे तो आपके प्ले स्टोर के अंदर आपका जो डेटा होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब आपको ऐप परमिशंस पे टैप करना है और आपको यहाँ पे कुछ परमिशन देखने के लिए मिल जाएगी, जिस जो कि आपको सभी परमिशन इनेबल रखनी है। फिर आप यहाँ पे बैक आइए और आपको एक बार डेटा यूज़ के नाम से ऑप्शन चेक कर लेना है, अगर आपका ये ऑफ है तो आपको इसको ऑन कर लेना है। अब आप यहाँ पे बैक आ जाइए एक बार, फिर आपको सेटिंग को ओपन करना है, फिर से ऐप्स पे टैप करना है, फिर से मैनेज ऐप्स पे टैप करना है और अब आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर सर्च नहीं करना है, आपको यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस को सर्च कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस नहीं मिलती तो आपको एक काम करना है, जो ऊपर की तरफ थ्री डॉट है आपको इस पर टैप करके शो ऑल ऐप्स पे टैप करना है, सबसे ऊपर की तरफ शो ऑल ऐप्स। इससे क्या होगा, जितने भी ऐप्स होंगे वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और अब आपको गूगल प्ले सर्विस पे यहाँ पे आपको मिल जाएगी फर्स्ट पे देखने के लिए, गूगल प्ले सर्विस पे टैप करना है, फिर से आपको फोर स्टॉप पे टैप करना है, ओके कर देना है। मैं यहाँ पे ओके नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे मेरा रिकॉर्डर स्टॉप हो जाएगा, आपको फोर स्टॉप कर लेना है। फिर आपको क्लियर डेटा पे टैप करना है, क्लियर कैच पे टैप करके ओके कर देना है। अब आपको ऐप परमिशंस पे जाके सभी परमिशन को इनेबल कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट डेटा यूज पे टैप करना है, अगर आपके अनटिक है तो आपको यहाँ पे टिक लगा के ओके कर देना है। आपको यहाँ पे डेटा यूज को भी चेक कर लेना है, अगर आपके ये ऑफ है तो आपको इनको भी इनेबल कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप इतना काम करोगे तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपका मोबाइल एक बार यहाँ पे रीबूट या रीस्टार्ट भी कर लीजिए। जैसे ही गाइस आप इतना काम करोगे तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपका प्ले स्टोर ईजिली वर्क करने लगेगा, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो मुझे आज की वीडियो के अंदर आप सभी को इतना ही बताना था। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।